आईपीएल 2024 के 12वें मैच में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 162 रन बनाए थे। जवाब में गुजरात ने 19.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अगर बात करें पहली पारी की तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। टीम के लिए अभिषेक शर्मा और अब्दुल समद ने 29-29 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली। इसके अलावा मयंक अग्रवाल 16, ट्रेविस हेड 19, अभिषेक 29, एडन मार्करम 17, हेनरिक क्लासन 24, शाहबाज अहमद 22, समद 29, वॉशिंगटन सुंदर 0 और पैट कमिंस ने नाबाद 2 रन बनाए। वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा अजमत उल्लाह, उमेश यादव, राशिद खान और नूर अहमद ने एक एक विकेट अपने नाम किए। सनराइजर्स हैदराबाद के 163 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने इस लक्ष्य को 19.1 ओवर में ही हासिल कर लिया और 7 विकेट से जीत दर्ज कर ली। जीटी के लिए रिद्धिमान साहा ने 25, शुभमन गिल ने 36, साई सुदर्शन ने 45, डेविड मिलर ने नाबाद 44 और विजय शंकर ने नाबाद 14 रन बनाए। वहीं हैदराबाद की तरफ से शाहबाज अहमद, मयंक मार्कडे और पैट कमिंस ने एक एक विकेट चटकाया। इस मैच में जीत के साथ ही गुजरात ने आईपीएल 2024 में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली है और पॉइंट्स टेबल में 4th स्थान पर है। वहीं इस मैच में हार के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 5वें स्थान पर पहुंच गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज क्रिकेट विनर को फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और वीडियोज को शेयर करना ना भूलें।